तो सबसे पहले चाहिए आप लोगों को ईसीएस का कोपरो यार। इसके बाद एक रूलर मेजरमेंट करने के लिए, और इसके बाद आप लोग को चाहिए एक पेन, इससे इसका या इससे भी छोटा या बड़ा। और लास्ट में आप लोग को चाहिए एक पेपर नोट करने के लिए। तो सबसे पहले पेन को लेना है और कॉपर वायर को लेना है। इसके बाद आपको एक इंडक्टर का शेप देना है इसको ऐसे। आप लोगों को 10 राउंड्स देने होंगे गिन के, एक या दो, प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा एरर हो सकता है, लेकिन हम लोग को लेना है 10 राउंड्स, नोट करना है। तब देख सकते हैं अच्छे से आप लोगों को इंडक्टर को बनाना है। इसके बाद आप लोग इस रोलर को लेकर इसका जो लेंथ है, तब तक कितना लंबा है ये इंडक्टर, इसको मेजरमेंट करना है अच्छी तरीके से। जो बार है जिसका जो लेंथ आ रहा है वो आ रहा है 1 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को इसका जो वैल्यू है इसको नोट करना है पेपर में। बाद में हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास पहले है एन इक्वल टू 10 टांस, मतलब 10 बार घुमा के बनाया, और लेंथ है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लोग इसका जो डायमीटर है, जो इंडक्टर बनाया है उसका डायमीटर मेज़र कीजिए रूलर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है लगभग 8 mm का, मतलब 8 मिलीमीटर का। और इसको मेज़र नोट करके रखिए, तो इसका डायमीटर है 8 mm, और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस आर, उसको निकालिए। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 8 mm डिवाइड बाई 2 होगा रेडियस, तो होगा 4 mm। तो चलिए अब कैलकुलेशन को देखते हैं कैसे होता है। हमारा जो इंडक्टर का जो टर्न्स है n इक्वल टू 10 है, हम लोगों ने मेजर किया था। एल है 1 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ जो हमारा इंडक्टर का एवरेज लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, जो कि होता है 10^-2 मीटर। इसके बाद रेडियस है 4 mm निकला था पहले, तो इसको मीटर में लेना पड़ेगा, तो 4×10^-3 मीटर होगा। लेंथ और रेडियस को हम लोग को एक यूनिट में रखना होगा। तो ये फार्मूला है जिससे हम लोग इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप लोगों को देख लेते हैं मतलब क्या होता है। ये तो पता है टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इंडक्टर में, और ये है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और यहाँ पर ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ये एल है लेंथ, ये तो पता है निकल के रखा है। एन और एल यहाँ पर तो पता है क्या है, ए क्या है, ए है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है। तो पाई का वैल्यू है 3.15, और आर की जगह पर हम लोग रख देंगे इसको, तो होगा हमारा क्या देख लेती है। तो ये 16 होगा, और ये 10^-6 होगा मल्टीप्लाई होगा, इसका जो यूनिट होगा होगा मीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं म्यू क्या होता है। म्यू होता है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, तो ये होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल,
n dot other permeability of free space. तो mu r for air हमारा जो इंडक्टर है उसके अंदर हम लोग कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एयर है, तो अगर इसका वैल्यू होता है 1। और mu naught है हमारा फ्री स्पेस का जो परमिबिलिटी, तो ये इसके बराबर होता है 1.256 × 10⁻⁶। तो ये दो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 × ये सेम ही रहेगा। एयर में और स्पेस में जो परमिबिलिटी होता है सेम ही रहता है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, यह नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ स्क्वेयर, ये परमिबिलिटी होता है एयर का या फ्री स्पेस का, और ये है एरिया का, इसका जो यूनिट होगा हेनरी, इससे डिनोट करेंगे। और नीचे का लेंथ 10⁻² निकल के रखा था। अब कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को ये मिलेगा, आप सब पिन के बाद सब मतलब कैलकुलेशन करने के बाद ये होगा, राइट ये रहेगा। तो इसको हम लोग नैनो हेनरी में लिख सकते हैं, तब वो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं घर में कैलकुलेटर से। लगभग वैल्यू आया है 631.01। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, इसमें आप लोगों को एक वेबसाइट में जाना है और सारे वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है इंडक्टर कैलकुलेटर, और फास्ट जो वैल्यू मतलब वेबसाइट रहेगा उसमें एंटर कीजिए और आपका जो इनपुट है वो दीजिए। तो यहाँ पर पहले इनपुट देना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ टर्न्स एन का, इसके बाद आप लोग को लेंथ जो सोलेनोइड का जो मतलब इंडक्टर का जो लेंथ है उसका देना पड़ेगा, और इसके बाद कोयल का जो रेडियस है वो देना पड़ेगा 0.4 में होगा अगर सेंटीमीटर में देंगे, और इसके बाद इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी 1 को देना पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा इसका आंसर, ये सेम होता है उसके, लेकिन ये 6.31 आ रहा है और पावर में आ रहा है -7, तो वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, कन्फ्यूज मत होइए। तो ये होता है वैल्यू उसका, ये बार माइक्रो एनडी और मिली एनडी में देख सकते हैं सिर्फ।